हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अभी ऑडियो आ रही सही से? एक बार कंफर्म कर दीजिए तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। गुड इवनिंग शिवांगी श्रीवास्तव, कैसे हैं? दीपिका वेलकम, हेलो प्रसेनजीत, गुड इवनिंग। बिन्नी प्रजापति, आकांक्षा, ए एम आ गए सारे लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हम लोग लगातार महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेके आ रहा हूँ अगले महीने से। एक टॉपिक प्लस हमारा जो सीरीज चल रहा है पुराना वाला, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। या आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है, सभी लोगों ने कर दिया है, सबका स्वागत है भाई। याशी, बिन्नी, सपना, मुझे जीके क्वेश्चन लेनी है, कैसे लूँ? प्रीवियस दीप का प्लेलिस्ट बन गया, आप देख सकती हैं वहाँ पे। गुड इवनिंग यशी, उज्जवल कुमार जी, रिशु, सभी का स्वागत है जितने भी लोग आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लगता है कि आपके प्यार्स कितने हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, तो लाइक कर दीजिएगा, पता चलता है कितने लोग क्लासेस चाहिए। एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप घंटा का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे आने वाले सारे क्लासेस को आप देख पाएंगे। सभी का स्वागत है यहाँ पे। एंड आईलैंड भी बिन्नी बिल्कुल करवा दिया जाएगा आने वाले समय में। एंड आप पीडीएफ सारे हमारे अनअकैडमी एसएससी एग्जामिनेशन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड आई एम ऑल्सो, मैं लगातार वहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे भी आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं वहाँ पे भी, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पे, तो फॉलो कर लेंगे तो मेरे द्वारा लाए गए सारे फ्री क्लासेस को आप देख सकते हैं सिंपल कोड इस्तेमाल करके, OJ10। इस कोड से दोस्तों आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे। सर, जीके के लिए पेड सब्सक्रिप्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, जीके के लिए पेड की बात कर रही हैं, तो पेड सब्सक्रिप्शन एसएससी में आप ले लीजिए। एसएससी के लिए आप देखिए, क्या है कि जीके के लिए स्पेशली नहीं, आप ये समझिए कि इनका जो प्लस है, अनअकैडमी जो प्लस सब्सक्रिप्शन देता है, वो आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे आप मैथ भी एक्सेस कर पाओगे, रीजनिंग भी कर पाओगे, जीके भी कर पाओगे, जीएस भी कर पाओगे, करंट अफेयर कराओगे, प्लस वीकली क्विजेज टेस्ट भी आपको मिलेगा, नोट्स भी आपको मिलेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है? तो दीपिका आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं। एंड डिस्काउंट कोड आप लोग का मैंने बता दिया है, ये रहा कोड, इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे अगर आप OJ10, तो आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो आप इसको भी ले सकते हैं सभी लोग। एंड बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं जो टॉप एजुकेटर हैं एसएससी के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी 30 से ज़्यादा बैचेज हर हफ्ते आ रहे हैं, 40,000 से घंटा ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है, क्लासेस मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, ट्रस्टेड है, ऐसा नहीं है, सभी बेस्ट एजुकेटर हैं, 70 ज़्यादा एजुकेटर हैं। अगर कोई CHSL CGL के लिए पढ़ रहा है तो 2 जून से एक बैच आ रही है, अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्लस में हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, 2 जून से स्टार्ट हो चुका है, जो आपका पूरा सिलेबस कवर करा रहा है, CGL CHSL की पूरी प्रिपरेशन करा रहा है। एंड आखिरी पड़ाव बैच है SSC CGL के लिए, कंप्लीट रिवीजन बैच है। अगर आपका प्रिपेयर करा जा चुका है और आप रिवीजन चाहते हैं तो आप रिवीजन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, ये भी आपका 2 जून स्टार्ट हो रहा है। एंड थर्ड दोस्तों संकल्प बैच है, सिलेक्शन बैच CGL के लिए, देख रहे हैं वाईफाई के सारे टॉप एजुकेटर इनके द्वारा लिया गया है। प्लस इसी तरह बहुत सारे MTS के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, बहुत सारे। ये क्या करता है? देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर एक्चुअली बैचेस का मतलब क्या है। दोस्तों बैचेज का मतलब है कि आपका जितना भी सिलेबस है उनको पूरा कराना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना जो एग्जाम को कवर करता है। टॉप एजुकेटर हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया सब देख सकते हैं, आपको PDF, स्टडी मटेरियल, वीकली क्विज, डेडिकेशन, जैसे होता है ना यूट्यूब में या फिर किसी नेटफ्लिक्स वगैरह पे आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप उसके मूवीज वगैरह सब कुछ, वैसे तो उसमें तो बड़ा कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप सिंपल एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप सबको एक्सेस कीजिए। 70 एजुकेटर हैं तो 70 एजुकेटर के सभी टॉपिक को देख सकते हैं। तो वन सब्सक्रिप्शन के लिए आप सिंपली आप लोग ले सकते हैं। देखिए, एक साल के लिए 6,500 रुपये का है, लेकिन इसमें भी अगर आप OJ10 कोड लगा लेंगे तो आपको 650 रुपये ऑफ हो जाएगा। 2 साल के लिए 7,800 का है, इसमें भी आप OJ10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 780 रुपये ऑफ हो जाएगा। तो फटाफट ले लीजिए, अगर आप सच में मतलब मेहनत कर रहे हैं, सीरियस एस्पायरेंट है, तो मेरे हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहिए। मतलब क्या होता है, YouTube पर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरफ से एक तरफ तक बस एजुकेशन की ही बातें होंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट, आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताना है। मैं टाइमर लगाना भूल गया हूँ,
लेकिन मैं टाइमर लगा सकता हूँ, 1 मिनट दीजिए। तो मुझे एक आर्टिफिशियल टाइमर लगाते हैं बाहर बाहर से, क्योंकि बिना टाइमर का हमको लग रहा है मज़ा नहीं आएगा ना। और ये है आपका टाइमर, कौन सा टाइमर था ये? ओके, टाइमर तो मारो गायब हो गया हो क्या? 1 मिनट रुकिए। तो टूल बार, चलिए सर टाइमर मिल नहीं रहा है, आप इसी तरह आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं टाइमर लगाता तो थोड़ा और आसानी होती, लेकिन मैं एक लिमिटेड 5 सेकंड का समय दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, वूलर झील इज द राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? वूलर झील है, आप लोग को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा इन सभी ऑप्शनों में से सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का है, आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी जगह पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पीछे रह गया, हाँ टाइमर मैं भूल गया, एक्चुअली टाइमर लगाना भूल गया। भीमताल झील कौन से राज्य में स्थित है? सॉरी, भीमताल जो झील है कहाँ पे है? उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा? मैंने आपको बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 80% से ज़्यादा, 90% कर लेते हैं, 90% अगर झीलों के लास्ट में ताल लगा हो तो आप आंख बंद करके आंसर मार सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड को आंख बंद करके आंसर मार, जिसके पीछे में ताल लगा हो, वैसे तो फिलहाल यहाँ पे लगा ही है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यूके इज राइट, एंड आपको पता होना चाहिए यूके में आ गए हैं नए सीएम, इनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, तो कौन कौन बताएगा? हाँ, यूनाइटेड किंगडम, जो उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था, आपको पता ही होगा ये चीज़। तो उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। पहले जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन अब जो हो गए तीरथ सिंह रावत, ठीक है, हाँ सबको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जो भीमताल जो झील है इसका आकार एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो ये त्रिभुजाकार झील है, कुछ इस प्रकार का झील आपको देखने के लिए मिलेगा यार, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों है हाँ वेलांदूर झील इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ स्थित है? वेलांदूर क्या लगता है, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? वेलांदूर, हाँ सूरज ताल एंड चंद्रताल है, इसीलिए मैंने बोला 90% लगभग। वेलांदूर कहाँ पे, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? साउथ, नाम से ही लग रहा है कि यार ये साउथ ही से रिलेटेड होगा, यहाँ पे ना साउथ का रिलेट कर रहा है, तो जी हाँ इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, वेलांदूर आपका कर्नाटक राज्य में है, डी इज राइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटका के सीएम का नाम कौन है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक को भी रिविजन करते हुए चल रहे हैं साथ साथ में, तो सीएम कौन है भाई? तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे येदुरप्पा है। कौन है? येदुरप्पा है, बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, सरकार गिरा के। महाराष्ट्र में भी सीएम आपको पता होगा कौन है, तो आप लोग बोलेंगे सर शिवराज सिंह चौहान, शिवसेना से, ना ना यही है कि मध्य प्रदेश के हैं मामा, हाँ तो महाराष्ट्र के कौन है? उद्धव ठाकरे, याद रखेंगे, ठीक है। एंड शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। गोवा के सीएम आपसे पूछेगा, तो गोवा के सीएम कौन है? तो आप लोग बोलेंगे सर मनोहर पारिकर, तो मनोहर पारिकर का तो निधन हो गया है पैंक्रियाज की वजह से, जो 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री भी बन चुके हैं, तो यहाँ पे कौन है? इनका नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। और हरियाणा के कौन है? तो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये सारे याद रखेंगे, क्योंकि मैं इन सब का रिवीजन करा करा के आपको याद करा दूंगा, इतनी इस चीज़ की तो गारंटी है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे आप लोग। और दक्षिण पूर्व जो बेंगलुरु शहर है उसके पास ये झील स्थित है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, और जनवरी 2018 में इसी झील के पास आग भी लग गई थी। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पूरी दुनिया की, अपने भारत की नहीं यहाँ पे, ठीक है, अपनी भारत की नहीं, बताइए। अरब सागर, कैप्सियन सागर, वान झील या फिर मृत सागर? खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरब सागर, कैप्सियन सागर, वान झील या फिर मृत सागर? तो सबके आंसर आ रहे हैं सर कैप्सियन, बी को लॉक कर दिया जाए, हाँ तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कैप्सियन सागर इज द राइट आंसर, जी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मैंने आप लोग को नदी का लेंथ लगभग सारा बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नील नदी की लेंथ कितनी है। आई थिंक मैंने सब कुछ बता रखा है, जैसे अमेजोन है अपनी दुकान ना, तो इसकी लेंथ कितनी है? 6400 किलोमीटर। मैंने आपको यांगसी भी बताया है, जो कि चाइना और एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर। मैंने आपको गंगा का भी बताया है, गंगा की है 25-25, लेकिन भारत में कितनी बहती है? 25-10 किलोमीटर। मैंने ब्रह्मपुत्रा की बताया है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी बहती है? 916 किलोमीटर। इस तरह नील नदी की टोटल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर की, याद रखेंगे यहाँ पर। हाँ
कैप्सियन 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैप्सिकम नहीं, कैप्सिकम नहीं, कैप्सियन। हाँ, शेषनाग झील किस, अब देखिए जब भी किसी झील के आगे यहाँ पे नाग सांप मतलब अगर नागिन लग जाए, शेष मतलब नाग से स्नेक से रिलेटेड कोई झील आया, तो आँख बंद करके आप एक स्टेट को आंसर मारेंगे, वो कौन सा हो जाएगा बताइए। अगर नाग रिलेट कर रहा है, स्नेक रिलेट कर रहा है, तो बस एक ही को आपको आंसर मारना है, वो मारना है जम्मू कश्मीर को, सीधा आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। अच्छा, जम्मू कश्मीर को बताइए हमारा अलग से यूटी बनाया गया कब, यूनियन टेरेटरी बनाया गया कब? आप लोग को पता होगा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाते हैं हम लोग कब, 31 अक्टूबर को। और इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग, इसी दिन मनाते हैं हम लोग यूनिटी दिवस। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका लद्दाख, और भारत के दो नए यूनियन टेरेटरी का जन्म हुआ। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019। इसके तत्कालिक एलजी का नाम पूछेगा, बताइए क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले जो थे उनको कैग दे दिया गया, कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148। इनके कार्यों के बारे में बताया गया है 149। ये कौन है दोस्तों, तो इनका नाम बताइए। तो ये पहले जो थे, देखिए अभी जो है उनका नाम है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा तत्कालिक जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। और हमारे कैग कौन है, तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है। एंड लद्दाख के दोस्तों कौन है, तो आरके माथुर मतलब राधा कृष्णा माथुर। और हमारे भारत में तत्कालिक 8 यूनियन टेरेटरी और 28 राज्य है, ठीक है, काउंट करेंगे तो सारा काउंट कर लेंगे आप लोग। इस चीज़ को एकदम आप लोग दिमाग में रटा होना चाहिए, छपा होना चाहिए दिमाग में, रटा नहीं होना चाहिए, छपा होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया बता दो कि जम्मू कश्मीर में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 20 टोटल जिले हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सभी के लिए क्वेश्चन है, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको बताना दोस्तों कि जो पीओके था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में है, ये मुझे कमेंट करके सबका चाहिए इस पे कमेंट, कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है ये आपका जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में है। आप लोग पहले जो जानते होंगे वो जानते होंगे अपकमिंग आने वाले समय में। एंड प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, सुनील, विनोद, शिवांगी, राज, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये आपका लद्दाख में है, इसीलिए मैंने पूछा भी था, मुझे पता था सब लोगों को कन्फ्यूजन होगा इस चीज़ का। तो अब जो है पीओके आपका लद्दाख में है, ना कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो अब से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब वो लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या है 20 और लद्दाख में जिलों की संख्या मात्र 2 है, एक है आपका लेह और एक है आपका कारगिल, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ये शेषनाग मैंने आपको बता दिया, कई प्रकार की मछलियों की का घर माना जाता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग सैलानी यहाँ पे आते, बर्फबारी का मजा लेने आते हैं यहाँ पे, पहलगाम के पास में है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है, ये तो बता देंगे आप लोग यहाँ पे। हाँ बिल्कुल 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 बताइए, सबसे बड़ी झील मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, क्या लगता है? सारे क्वेश्चन लिया है मैंने, एकदम निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। मणिपुर, मिजोरम, जी हाँ दोस्तों लोकटक की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यस दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका केबुल लाम जाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने मणिपुर को आंसर किया उन सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज मैजिक नंबर, ना पता है कि नहीं, कि भूल गए आप लोग, व्हाट इज मैजिक नंबर? मैजिक नंबर इज द मिक्सचर ऑफ लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट एंड विधानसभा सीट। तो मैंने आपको तीन ऐसे राज्यों का नाम बताया था जिनकी लोकसभा सीट, विधानसभा सीट एक नंबर की है, एक ही है, जैसे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा कि इन तीनों का क्या है, इन तीनों का है दोस्तों 2160, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा स्टेट है जो काला चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। काला चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, जिसका नाम है दोस्तों चाकहाओ, इसका नाम क्या है, चाकहाओ, क्या नाम है इसका, चाकहाओ नहीं, चाकहाओ इसका नाम है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है काला चावल का वो मणिपुर ही करता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये मैजिक नंबर है, जादुई आंकड़ा है जो एक साथ जादू करके आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट
जो कि याद करवा देगा। जस्ट लाइक चलिए अच्छे दो चार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग को जादू में इंटरेस्ट है तो आइए जादू दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं राजस्थान, आरजे को लेते हैं, तो इसका कितना है, इसका है 25 10 200। और फिर हम लोग इसके जस्ट बगल में जो गुज्जू है गुजरात को लेते हैं, 25 में एक बढ़ा दीजिए 26 कर दीजिए, 10 में एक बढ़ा दीजिए 11 कर दीजिए, एंड 200 में से 18 माइनस कर दीजिए 182 कर लीजिए। फिर हम लोग ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में से 25 इसमें का चुरा लीजिए, चलिए 25 मैंने चुरा लिया, 11 इसमें का चुरा लीजिए, 11 मैंने इसमें का चुरा लिया, और 175 अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए आप लोग को। तो ये देखिए लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट आंध्र प्रदेश का, गुजरात का ये हुआ और राजस्थान का ये हुआ। प्लस मैंने आपको एक बताया था 2140, ये कहाँ का है, तो ये गोवा का है। मैं धीरे धीरे आपको सारा याद करा दूंगा, बस बी रोगरोल ऑन टाइम 5:30 बजे मेरे से मिलिए, आप देखेंगे धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो काले चावल का उत्पादन भी सबसे ज्यादा मणिपुर ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, जो सबसे ऊंचाई पर है यहाँ पे बताइए भाई, सबसे ऊंचाई पे कौन है, बैकाल झील, टीटिकाका झील, विक्टोरिया झील एंड बुलर झील। हाँ जीआई टैग भी मिला था, हाँ काले चावल को जीआई टैग भी मिला था यहाँ पे भाई। अभी टॉपिक चल रहा है तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ। नवाज जी, 1 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका एक दिन टॉपिक, 1 तारीख से जो मेरी बैच चलेगी इसी समय, एक दिन मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये टॉपिक सी ए एंड जी के दोनों का होगा, करंट अफेयर जी के, और दूसरे दिन हमारा जो 1000 की सीरीज चल रही है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा जो कि लूसेंट वाली, तो दोनों में आपको मजा आएगा, मैक्सिमम हम लोग रिविजन किया जाएगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका टीटिकाका झील इज द राइट आंसर। अच्छा एक झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा मिसिसिपी, मिसिसिपी, ये बताइए कौन से जगह की सबसे बड़ी नदी है, मिसिसिपी नदी है ये कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, सॉरी बताइए मिसिसिपी नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, बताइए कौन से देश की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, इजिप्ट कौन बता रहा है, गलत जवाब। और बताइए मिसिसिपी याद होना चाहिए एटलीस्ट यूएसए को, तो याद रखिए आप लोग भारत का याद रख रहे हैं तो यूएसए का भी याद रखें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैं सोच रहा हूँ पंखा चला लूँ थोड़ा सा, और क्या हवा लगा खतरनाक यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला देखिए क्वेश्चन सही था ये आपका, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है हुसैन सागर झील, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, तेलंगाना, और बताइए 80-80 यूएसए की है, 80-80 है वो, क्या लगता है भाई हुसैन सागर झील कौन सा, यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका तेलंगाना इज द राइट आंसर। और तेलंगाना में एकदम नवीनतम बने हैं सीएम, कौन बने हैं भाई, तेलंगाना राज्य राज्य का मैजिक नंबर मैं आपको याद करा दूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से याद हो जाएगा आपको, बताइए क्या होएगा आंसर यहाँ पे, तेलंगाना के सीएम कौन बने हैं, क्या नाम है इनका, एकदम नए बने हैं भैया, एम के स्टालिन नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। एंड वॉट इज द मैजिक नंबर ऑफ तेलंगाना, मतलब मैजिक नंबर वही लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, तेलंगाना का 5th हाईएस्ट लोकसभा सीट है 49, इस 9 को 2 भागों में बांट देंगे तो आपका हो जाएगा 8+1=9, और इसके बाद हमको एक सीरीज रखना है यहाँ पे 2-3-4 ना, 2-3-4, ये देखिए इसका लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटों की सूची है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरे यार ये मैंने क्या बता दिया, मैंने गलत बता दिया आई एम सॉरी, तेलंगाना मेरे को ये तमिलनाडु दिख रहा है, अरे यार अच्छा चलिए यहीं से चेंज कर लेते हैं, इतनी जो जानकारी है ये जानकारी तमिलनाडु की है, मेरे को ये कब से वो दिख रहा है, ठीक है चलिए अब चंद्रशेखर राव कर लीजिए, बदलाव कर लेते हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। और यहाँ का जो मैजिक नंबर है वो है आपका 14-7-126, इससे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तेलंगाना राज्य जो है एस्टेब्लिश कब हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 2 जून 2014, भारत का सबसे नवीनतम राज्य जो कि आपका तेलंगाना, भाषाई आधार पर इसको बांटा गया है यहाँ पे। हाँ मैं भी सोचूं कि यार मतलब गड़बड़ा गया थोड़ा सा माहौल, आंखें खोल रखिए, हाँ आंखें मेरी बंद हो जा रही है ना, हवा ज़्यादा लग रहा है इस वजह से, चलिए याद रखिए हाँ 2 जून 2014 सबसे नवीनतम राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो तेलंगाना ही है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हुसैन सागर झील तेलंगाना, मिशिगन झील किस देश पे स्थित है, भारत, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर टर्की, मिशिगन झील भारत, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर तुर्की, टर्की भी चाइना के सपोर्ट में है, पाकिस्तान मतलब ये सब उसी का खा पी रहे हैं, जी रहे हैं सब, इन लोगों के पास और कुछ बचा नहीं है, भारत, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका,
सी इज राइट, क्या लगता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिशिगन जो झील है ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका के 46वें जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। अमेरिका के 46वें जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? तो फटाफट बताइए भाई कौन है भाई, अमेरिका के जो 46वें प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? डू यू लाइक छोले भटूरे? लो भाई छोला भटूरा भी ला के ला दे रहे हैं यहाँ पे भाई। तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए यहाँ पे, और अगर मैं कहूँ कि सारे लोग के आंसर गलत है, तो अगर मैं बोलूँ कि ए टू जेड लोगों के आंसर गलत है, कोई भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है, सब लोगों को लग रहा है कि आप लोग को विश्वास है, दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आपको लोगों को विश्वास है जो बाइडन इज राइट आंसर। आप लोग को मैंने एक बार फिर पूछा था कि अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 46th अगर आपसे पूछेगा प्रेसिडेंट तब आप आंसर करेंगे, ना कि कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट। समझ में आया कि नहीं, बुझाया कि नहीं? क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ नहीं रहे हैं आप लोग, धनाधन 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 आंसर मारे जा रहे हैं। हाँ तो 46वें भाई, 48वें नहीं है, 46 इज द राइट आंसर। अरे छोला भटूरा एस्ट्रोलॉजिकल नाइट स्काई, छोला भटूरा आप खाइए, हम कहाँ से खा लेंगे? अगर हमको पसंद भी होगा तो कहाँ से खा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सूरज ताल, ताल से ताल मिला, बताइए सूरज ताल। एंड डू लाइक एंड शेयर, दिमाग से खेल रहे हो, बताइए और किस चीज़ से खेला जाए? दिमाग ही से ना खेलेंगे, किससे खेलेंगे बताइए? सूरज ताल झील कहाँ से है? राजस्थान, उत्तराखंड, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ताल से ताल मिला ना, तो सब लोग ताल से ताल मिला लिए हैं, तो आइए हिमाचल प्रदेश को लगा देते हैं। अभी मैंने कुछ देर बताया है कि सूरज ताल जो है आपका हिमाचल प्रदेश से है ना। हाँ एक और झील है ताल लगा हुआ, कमेंट करके बताइए, सूरज ताल प्लस एक और झील है जो आपका यहीं से रिलेटेड है, वो कौन सा झील है? सूरज ताल, सूरज और चंदा, इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? सूरज चंदा भीम ताल हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक टनल बना एकदम नया नवेला, उसका नाम बताइए। एक नया नवेला टनल बना है पहाड़ों को चीरते हुए, मोदी जी गए खाली जगह पे हाथ हिलाते हुए, एक भी आदमी नहीं था लेकिन फिर भी हाथ हिला रहे थे क्योंकि वो ज़रूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन सा टनल था? वो था अटल टनल था। कौन था? अटल टनल। लेंथ पूछेगा तो 9.02 किलोमीटर की लेंथ के साथ, और हमारा सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? तो सबसे बड़ा है आपका चेनानी नासरी सुरंग। कहाँ पे है ये कमेंट करके बताइए, चेनानी नासरी सुरंग जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर की है, ठीक है, 9.2 किलोमीटर की है, और ये है आपका जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे चेंज किया गया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा, HP का है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? इंदिरा गांधी जय समर्थ, एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आके गिरा था उसी वजह से। बंद हो जाओ भाई तुम पंखा महोदय, बहुत धूप लग रहा है यहाँ पे। जॉय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। और इंदिरा गांधी झील, बुलर झील, गोविंद सागर झील, जय समद, कृत्रिम रूप से, सॉरी इस क्वेश्चन में मैंने आपको गलत बता दिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मतलब मैंने बताया गलत लेकिन आंसर सही है इसका। तो गोविंद सागर झील जो है भारत की एकमात्र कृत्रिम झील है। अच्छा एक झील है जो एस्ट्रॉयड से बना है, मतलब एक उल्का पिंड गिरा था आके उसकी वजह से उसका निर्माण हुआ, ये कौन से भारतीय स्टेट में है आपको ये कमेंट करके बताना है। आप लोग इसका नाम भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। गुड इवनिंग कंचन, स्वागत है आपका। एंड क्या हो सकता है आंसर इसका बताइए? बहुत बड़ा सा रेडियस वाला, लगभग 1.5 किलोमीटर की रेडियस वाला, क्योंकि आता है तो हमारे वायुमंडल में वो पिघलते हुए आता है, तो लूनार जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? भारत का तो पूछ नहीं रहने, तो चाइना जो कि चिल्का बता देते, तो ये बताइए कौन सा है? कैप्सियन सागर, सांभर झील, वान झील, बुलर झील, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, क्या लगता है? कैप्सियन सागर, सांभर झील, वान झील या फिर बुलर झील? एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी अगर प्लस में आना है अनअकैडमी, अगर आपने परीक्षा को अंजाम तक पहुँचाना है तो आप लोग प्लस में आएंगे तो मेरा कोड कौन सा है? OJ10। काइंडली कमेंट लिख के एक बार कमेंट कर दीजिए कि कितने लोग जानते हैं कोड यही है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जितना लिखा हुआ उतने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, 10% की डिस्काउंट हो जाएगी इसके साथ ही OJ10 अगर आप यूज करते हैं तो, ठीक है।
बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका। विश्व का पूछा है तो वान झील सबसे अधिक लवणता वाला झील होता है, सबसे ज्यादा। और अगर आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन समुद्र जल का, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, समुद्र के जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर ही दिया है भाई, OJ10। ओम जायसवाल मेरा नाम, शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए OJ, लगा दीजिए 10, हो जाएगा 10% का डिस्काउंट। बताइए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ समुद्र जल, समुद्र के जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 8.4 होता है। 0.4 वाला सारा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है सबसे पहले क्या होता है, खून लाल होने लगता है, फिर कुछ देर बाद बड़ी मायूसी होती है और आँखों से आंसू निकलता है। तो दोनों का सेम है, मतलब खून जो है उसका है 7.4 और आँख के जो आंसू है उसका भी है 7.4। ये दोनों याद रखेंगे, मैं आपको pH बता रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे शुद्ध जो जल होता है वर्षा का जल, उसका pH होता है 7। एक प्रश्न आया था आपके परीक्षा में कि वर्षा का जल जो होता है वो एसिड रेन में कन्वर्ट कब होता है, अगर उसका pH इतना घटा दिया जाए कि वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है आपका 5.6। अगर 7 से घट के वो 5.6 तक गया तो आप समझ लीजिए कि वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और सबसे शुद्धतम कौन सा होता है? आपका यही वर्षा वाला ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड बिल्कुल 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 आने वाले समय में चलेगी वो भी सारी क्लासें। जितने लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, धन्यवाद उनका। एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे डेली मुलाकात करूंगा इस चैनल पे 5:30 बजे, हर रोज कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके। फिलहाल मैं एक सीरीज जो कंटिन्यू कर रहा हूँ वो भी कंटिन्यू करूंगा। सबसे ऊंचाई पर अगर आपसे स्थित बोलेगा तो चोमालू झील, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है आपका कौन सा है? चोमालू, बिल्कुल से हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो है वो आपकी चिल्का है ना, और सेकंड आपका वो कौन सा है बताना है आपके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा यहाँ पे, सांभर झील, पुलिकर झील, पिछोला झील या फिर देवर झील, कौन सा है भाई? और क्या लगता है यहाँ पे? देवर झील। अच्छा इस क्या डेथ सी में कोई डूबता क्यों नहीं? बताइए भाई इसका रीजन क्या है, डेथ सी में कोई डूबता क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आया है, ऐसा है क्या? मृत सागर, रीजन क्या है? पहले मृत सागर है कहाँ पे? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, सबसे निचला बिंदु कहा जाता है सागरों का, खारे पानी का ना, हाँ, जिसमें तैरना, तैराकों का डूबना असंभव होता है ना, यही कहा जाता है। रीजन क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, उच्चतम घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व अगर किसी से किसी का होता है दोस्तों तो यही होता है, दैट्स वाई आप इसमें कोई भी डूब नहीं सकता है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पुलिकट इज द राइट आंसर, हाँ पुलिकट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे डेंसिटी। अगला है क्वेश्चन आपका देखिए, और अच्छा एक क्वेश्चन और है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील इन सभी ऑप्शन में से कौन सी है ये बताना है आपको, फटाफट बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है। और लोकटक झील, डल झील, पुलिकट झील, चिल्का लेक, सबसे बड़ी कौन सी है? और क्या लगता है भाई, क्या लगता है भाई, क्या लगता है भाई, सबके आंसर आने चाहिए मुझे, तभी तो मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी झील दोस्तों आपकी चिल्का लेक ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक कौन सा भारतीय तट का, कौन से स्टेट का तट है जो ओली रिडली कछुओं के लिए फेमस है ना, ये कौन है दोस्तों बताना है आपको? वो कौन सा स्टेट है जिसका तट कछुओं के अंडों, कछुओं के घोंसलों के लिए फेमस है स्पेशली? तो उड़ीसा का ही तट है, ठीक है, उड़ीसा का ही तट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। हाँ, और इसको लैगून झील भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैगून झील, चिल्का को लैगून झील क्यों कहते हैं? लैगून किसे कहते हैं? ऐसा झील जो सी कनेक्टेड हो, जिसका संबंध सी से भी जुड़ा, जो सागर से भी कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लैगून झील, ये भी आप लोगों को सुना होगा, ठीक है। लोकटक कहाँ पे है, पुलिकट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कोलेरू झील कहाँ पे है, कोलेरू ये बॉर्डर पे है, किसके किसके बॉर्डर पे, अगर आपसे पूछा बताइए कोलेरू झील जो है किसके बॉर्डर पे है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? आपको मैं फिर से बताऊंगा कि टाइमिंग मेरी यही रहेगी, आप लोग एकदम समय से आ जाया करिए 5:30 बजे,
मैं जो टॉप 50 प्रश्न कवर कर रहा था लूसेंट का, वो मैं कंटिन्यू करूंगा एक तारीख से, और रैंडम दिनों में एक दिन में 50 क्वेश्चन, और सेकेंड दिन में मैं आपको एक करंट अफेयर्स और इसके टॉपिक भी साथ साथ में कवर करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग को दोनों चीज़ें कवर कर दूंगा, आपका टॉपिक भी धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नक्की झील जो है आपका आरजे राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में एक जगह है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं झीलों का शहर। सोचो कि झीलों का शहर हो, झीलों का शहर किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं महलों का शहर, किसे कहते हैं भैया? काला कुत्ता, कोलकाता को बोलते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग नवाबों का शहर बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग मोतियों का शहर बोलते हैं हैदराबाद को, उसी तरह से झीलों का शहर हम लोग किसे बोलते हैं? तो झीलों का शहर हम लोग बोलते हैं दोस्तों उदयपुर का, ठीक है। तो कभी प्लान बनाइए, सब लोग पैसा जुटा के चला जाए पिकनिक पे, यार बहुत लॉकडाउन में स्थिति खराब हो गई है यहाँ पे। तो राजस्थान का मैंने आपको मैजिक नंबर बताया, भूल चुके होंगे आप लोग, कितने लोग भूल गए हैं और कितने लोग को याद है, फटाफट बताइए बिना किसी देरी के, व्हाट इज द मैजिक नंबर ऑफ राजस्थान। चलिए सबसे पहला आंसर किसका आता है, इंतजार रहेगा मुझे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ। मैजिक नंबर ऑफ राजस्थान, मैंने तीन बताए एक साथ आपको, कौन बताएगा? नवांश ने बता दिया, 25-10 याद हो गया इनको, और आप ऋतु को याद है भाई, 25-10-200, देखिए याद हो गया, इसी तरह याद होगा, धीरे धीरे पूछते रहेंगे। मैंने बोला था कि भैया इसके पास 25-10-200 था, तो गुजरात में मोदी जी आ गए, बोले भाई तुमसे तो बेटा आ गए हैं हम, तो एक एक ज़्यादा रहेगा मेरा, तो लोकसभा सीट बढ़ा लिया इन्होंने, इन्होंने राज्यसभा सीट भी एक को बढ़ा लिया, लेकिन राजस्थान भी बोला कि भाई साहब देखिए आपने बढ़ा लिया है तो विधानसभा सीट 182 घटा लीजिए, तो इन्होंने 18 तो घटा लिया और 182 कर लिया, तो मान लीजिए ये गुजरात बन गया। फिर आंध्र प्रदेश वाला कहता है भाई तुम अपना 25 दे दो हमको और तुम अपना 11 दे दो हमको और हम अपना 175 सेट कर लेंगे। तो ये तीन तीन जो हैं एकदम आपके जवान पे रटा होना चाहिए, एक नंबर आपको दे के जाएगा, विश्वास मानिए, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये जरूर पूछता है आपसे, और मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर आपसे पूछेगा यूपी का, तो यूपी का हाईएस्ट नंबर 80, यूपी का तो बहुत कॉमन है, सब लोग जानते होंगे, 80-31-404 जानते हैं। यहाँ पे विधान परिषद भी है 100 सीटों का, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, कौन कौन? एक हो गया आपका यूपी, एक हो गया आपका बिहार, एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, एक हो गया आपका तेलंगाना, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया कर्नाटका, ये 6 जगह पे हैं। और वेस्ट बंगाल में भी लाइन में लगा हुआ है कि भैया हमों को विधान परिषद दो, तो आने वाले समय में देखा जाएगा यहाँ पे। तो 80-31-404, क्या कोई मेरी बात से एग्री कर रहा है कि 404 है यहाँ पे? 100 बताइए, 404 में कोई लड़ाई करेगा मेरे से? कोई नहीं करेगा, एक्चुअली 404 अब नहीं रहा, अब ये हो गया है 403। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपका एक संविधान संशोधन किया गया, मैं मिटा दूं? आप लोग लिखते हैं कि नहीं यार, मैं इतनी मेहनत से लिखता हूं, आप लोग लिखते हैं कि नहीं? अगर मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, इन सब चीज़ों को लिख रहा हूं, तो कम से कम रफ में तो लिख लिया करो महाराज, कहीं ना कहीं आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि तभी आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। जी हाँ, अमेंडमेंट 104, अमेंडमेंट किस आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल नंबर 300, संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को दिया गया है, और 104वां संविधान आजा, नेटवर्क ही चला गया मेरा, तो यही सब बात है, मन से पढ़ाने लगो तो नेटवर्क गायब हो जाता है। आ जाओ भाई, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। आई एम बैक नाउ, क्या मैं वापस आ चुका हूँ? आई थिंक आई एम बैक नाउ। चलिए, ऐसे तो आप लोग इतना जल्दी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आप लोग का मतलब पढ़ा पढ़ा के जान लेना है ना, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, जो भी बता रहा था, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट बता रहा था 368, 104वां। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है बताइए? सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ठीक है, बताइए, नॉर्वे। आप लोग इस क्लास को रेगुलर लीजिए, किसी दिन मिस मत कीजिए, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आप अनअकैडमी पे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे प्रोफाइल का, काइंडली विजिट एंड जाके फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पे मेरे जो फ्री क्लासेस हैं एटलीस्ट आप उनको तो देख पाओगे, ठीक है। एक तारीख से मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो उससे भी आपको लाभ आएगा। और मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि आपके CA के सेक्शन में और GK के सेक्शन में बदलाव ला दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। पैसा आप लोगों ने दिया नहीं है, नहीं तो मैं वापस कर देता आपका, लेकिन फ्री में है, आप लोग जरूर इसको। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम क्या है? एंजील जलप्रपात। क्या नाम है? एंजील जलप्रपात। आप सभी लोगों को पता भी होगा,
जिसका अर्थ है दोस्तों गहनतम स्थान का जलप्रपात, उच्चतम बिंदु का जलप्रपात जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 979 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3212 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलिंगटन द्वीप कौन से झील पर स्थित है? वेलिंगटन जो है कहाँ पे है भाई? वेमनाथ, कोलेरू झील, पुलिकट झील, अष्टमुड़ी झील। और काइंडली लाइक एंड शेयर, आप लोग लाइक एंड शेयर मारते रहिए। जय महाकाल ना बोलना पड़े मुझे, वैसे जय महाकाल, हाँ नहीं तो कौन से सर है ना जो बस जय महाकाल बोलते हैं और 5000 लौंडे दिख जाते हैं यहाँ पे, तो मतलब 45-46 में भी जाने में सब हो जा रहा है। वेलिंगटन द्वीप दोस्तों कौन से झील पर स्थित है? तो ये है वेबनाथ झील पर स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए इज राइट, ठीक है। और कोलेरू एंड पुलिकट झील का संबंध कौन से स्टेट से है? दोस्तों आपका ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन आपका कि जवाहर सागर झील, राणा सागर झील तथा गांधी सागर झील किस नदी पर बनाए गए हैं? आपको बताना है धासु सर, हाँ जो भी, मतलब मुझे नाम नहीं याद है, आई थिंक वही है, धासु सर ही है। तो बताइए जवाहर सागर झील और जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, ये तीनों किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? बताना है आपको, क्या लगता है भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंबल इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्या बताएंगे भाई? कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा 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 कौन बताएगा? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग को पता होगा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कोशी नदी कहीं ना कहीं जो कि क्या है, सोख है, कहाँ का सोख है दोस्तों? तो ये सोख है आपका बिहार का सोख कहते हैं, इतना स्ट्रेट आती है कि ये अपना रास्ता भटक जाती है और कहीं पे भी निकल जाती है, तबाही मचाती है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर झील, तो क्या हम लोग 100 लाइक तक पहुँचेंगे कि नहीं भाई? अब तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ऐसा क्यों है? एकदम दबा दीजिए इतने लोग ने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका तेलंगाना, तेलंगाना लिटरली तेलंगाना में स्थित है नागार्जुन सागर झील। अच्छा नागार्जुन सागर, अच्छा ठीक है, सही है, सही है। नागार्जुन सागर झील जो है तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर जो रिवर प्रोजेक्ट है ये आपका है आंध्र प्रदेश में, एंड नागार्जुन सागर आपका टाइगर रिजर्व जो है ये आपका, ये दोनों आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। किस नदी के तट पे है अगर आपसे पूछेगा, तो दोस्तों ये है आपका कृष्णा नदी के तट पे है। अगर आपसे पूछेगा भैया बता दो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? निकलती है महाबालेश्वर से, महाबालेश्वर से निकलती है। तो सर इतना बता दिया, तो सर ये भी बता दीजिए इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है दोस्तों 1400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, कितना लंबाई है? 1400 किलोमीटर की लंबाई है कृष्णा नदी की, ठीक है, याद रखिएगा। सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे तो मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका है दोस्तों मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है बताइए? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, कैप्सियन सागर, सुपीरियर झील, बुलर झील, सांभर झील, कौन सा झील है भाई? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैप्सियन सागर, सुपीरियर झील, वुलर झील या फिर सांभर झील? कैप्सियन, सुपीरियर, वुलर या फिर सांभर? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है आपका सुपीरियर झील, सुपीरियर झील इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर है, सुखना लेक कहाँ पे स्थित है? सुखना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुखना लेक हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली। हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या फिर दिल्ली, कहाँ पे भाई सुखना? तो यस, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। आइडिया नहीं है? अगर मैं कहूँ कि चंडीगढ़ जो है इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, भारत का सबसे पहला वेल ऑर्गेनाइज सिटी अगर आपसे पूछा जाएगा, कुछ इसी प्रकार से आप मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा एकदम सब कुछ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करने वाले इसके आर्किटेक्ट कौन थे, ये आर्किटेक्चर बनाने वाले? ली कार्बुजियर का नाम सुना आप लोगों ने? ली कार्बुजियर, आप लोगों ने आई थिंक सुना ही होगा नाम, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में एलजी कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो चंडीगढ़ में एलजी हैं कहाँ के हैं बताइए? कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर? आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, वैसे आपको पता होगा, आप लोगों को वैसे पता होता है लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूँ।
तो ली कार्बुजियर इसके वास्तुकार थे, जस्ट लाइक राम सुतार वास्तुकार हैं अयोध्या राम मंदिर का, और सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। तो बीपी सिंह बदनौर बिल्कुल सही, रेवानाथ जी, लेकिन उनको हम लोग एलजी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। चंडीगढ़ के जो एलजी हैं उनको एलजी नहीं बोला जाता है, ठीक है, हैं यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उनको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप लोग सर्च कीजिएगा और पता कीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोलते हैं। दो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और हमारा यूनियन टेरिटरी में भी एक है, और वहाँ पे एलजी नहीं होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आपका है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, कांगो नदी, कोरोनी है, कोरोनी नदी भी है, कोरोनी नदी, अमेजन नदी, या फिर नील नदी, बताइए भाई ये कहाँ पे है। अरे ओहो सॉरी, नेक चंद्र, क्या लगता है भाई, रॉक गार्डन भी यहीं पे है, बिल्कुल। तो स्टेनली जलप्रपात जो आपका कांगो नदी पर है, ठीक है। अभी मैंने आपको अमेजन नदी की लंबाई बताई है और मैंने नील नदी की भी लंबाई बताई है, तो क्या आपको याद है, नहीं याद है तो फिर से 6650 किलोमीटर एंड 6400 किलोमीटर, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा कुछ दिन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और कांगो नदी आई थिंक 4700 किलोमीटर की है। कोडाई कनाल झील किस राज्य में स्थित है, नाम ही से आप लोग बता देंगे कौन सी जगह पे। कोडाई कनाल हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कौन सी जगह पर है कोडाई कनाल, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अब थोड़ा मैं अपना आँख साफ कर लूँ, थोड़ा देख लूँ सही से कि तेलंगाना नहीं लिखा है, नहीं, हाँ तमिलनाडु ही लिखा है। और यहाँ पे आपका लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट एवं विधानसभा सीट है 39/18/234, याद रखिएगा। और यहीं के जो नए सीएम बने हैं एमके स्टालिन बने हैं, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं हु इज़ द गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पुद्दुचेरी जो है वो चार सिटी से मिलके बना है, इसका निर्माण होता है, एक आपका आंध्र प्रदेश में है विजाक, एक आपका माहे है केरला में, आपको बताना है कि केरला में तमिलनाडु में ऐसे उसके कितने सिटी हैं। पुद्दुचेरी चार सिटी का मिश्रण करके उसको पुद्दुचेरी बनाया गया है, आपको पता है, तो बताइए कमेंट करके कि कितने बचे हैं केरला में। और बनवारी लाल पुरोहित रेवानाथ बिल्कुल से हो जाएगा, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, पुरोहित लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको याद रहेगा, ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे, दो है बिल्कुल, जगह का नाम बताइए, दो तो नाम मैंने आपको बता दिया, एक विजाग एक माहे जो केरला में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील, कैप्सियन सागर, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, विश्व की सबसे बड़ी झील कैप्सियन सागर झील, क्वेश्चन रिपीट हो गया सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, किसे भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी ऑप्शनों में से लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, शिमला, सिक्किम, माथेरान या फिर नैनीताल। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस है ये, शिमला, सिक्किम, माथेरान या फिर नैनीताल। यस दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका नैनीताल इज द राइट आंसर, नैनीताल को हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि सिक्किम में दो ऐसे माउंटेन पासेस हैं, उनका नाम बताइए, दो दर्रे हैं, दो माउंटेन पासेस हैं, ये कौन कौन से हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक तो सब लोग बता देंगे भाई नाथुला, नाथुला कहाँ पे है, तो नाथुला आपका यहीं पे है, नाथुला एंड जेलेपला, ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला दो माउंटेन पासेस हैं आपका सिक्किम के पास, एंड सिक्किम के पास ही भारत की प्लस, भारत कह सकते हैं क्योंकि पीओके में एक को लड़ाई करवा दे रहा है। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। आपने कभी भी K2 को बहुत रेयर देखा होगा, गाडविन आस्टिन, जो कि क्वेश्चन में आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग मजबूरी में कंचनजंगा को बोलते हैं जो एक्चुअली में सिक्किम में है ना, तो कंचनजंगा एक्चुअली विवादित नहीं है, बस इसका रीजन यही है कि कंचनजंगा विवादित नहीं है और K2 जो है ये POK में आता है, गाडविन आस्टिन जिसको बोलते हैं। तो हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया कितना हो गया, कौन सा हो गया, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिएगा 85 और 86 मीटर, और K2 की कितनी है दोस्तों 86/11 मीटर, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ गया कि K2, तो आप K2 को लगा देना, तब कंचनजंगा नहीं होगा, लेकिन नहीं तो कंचनजंगा आएगा, तो फिर चुपचाप आंसर कीजिएगा कंचनजंगा का यहाँ पे, ठीक है। हाँ और बताइए भाई, सभी लोगों को
बाकी सारे लोग ओके। गुड इवनिंग प्रिया। मतलब ये क्लास कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं, आप लोग ये बताइए पहले। मतलब मैं चाह रहा था जनवरी से चेंज। आप लोग एक दिन में एक टॉपिक और एक दिन में एक रैंडम क्वेश्चन रखा जाए, सही रहेगा? आप लोग बताइए सही रहेगा कि नहीं। मैं आगे जैसे आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप लोग क्लास में नहीं आएंगे तो मैं क्लास नहीं लूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा मैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बताइएगा जैसा भी होगा कमेंट करके। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो चुका है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए जीके एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसका रिवीजन छोड़े तो आप भूले, अगर आपने इसका रिवीजन छोड़ दिया तो आपको भूलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो रिवीजन करते रहिए, कुछ नहीं तो बस क्लास में आइए, मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, टेंशन नहीं उस चीज़ का। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील है कौन से राज्य में स्थित है? अभी मैंने बता दिया पुलिकट और कोलेरू कौन से राज्य में स्थित है, आप लोग को सभी लोग को पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? भाई ये तो बता ही देंगे आप लोग, सबसे गर्त में है सबसे गहरा झील। वैकाल सागर, वैकाल झील, वान झील, चिल्का लेक, कौन सा झील है भाई सबसे गहरा वाला? तो हाँ, डेड सी, मृत सागर, नहीं, बैकाल झील इज द राइट। सबसे गहरा जो है आपका बैकाल झील, और सबसे गहरा गर्त हमारा कौन सा है? तो कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, और ये है आपका मारियाना ट्रेंच, यहाँ पे मारियाना ट्रेंच याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जी है क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, डल झील, वुलर झील, सांबर झील, लोनार झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डल झील, बुलर झील, सांभर झील या फिर लोनार झील? ये सांभर सांभर आ गया ना, तो बार बार सांभर खाने का मन कर रहा है मेरा। व्यवस्था ऐसा कहीं कुछ बनेगा तो बताइएगा, मैं भी चलाऊंगा। डल झील, बुलर झील, सांभर झील, हाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, सांभर झील इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा यहाँ पे। राउडी राजा, काउंट करके रखा हुआ कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। चलिए अच्छा है, कुछ क्वेश्चन और है, फटाफट इसको भी लपेट लेते हैं सी क्लास में। राज संबद्ध झील किस राज्य में स्थित है? राज संबद्ध झील किस राज्य में स्थित है? एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, थैंक यू नितिन, और कौन कौन है, सुप्रभा, मनीष, राघवेंद्र, ज्योति, प्रिया, अंजलि, इक्का सिंह, सुनील, स्वप्निल, राउडी राजा, विनोद शर्मा, और राघवेंद्र सिंह जी, और कौन कौन है, नवांश अग्रवाल, रेवनाथ जी, प्रसेन जीत हैं, सभी का धन्यवाद। लगे रहिए आप लोग इसी तरह। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, ई स्टेट है आपका राजस्थान। अब ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे राजस्थान का मैजिक नंबर बता देंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे राजस्थान का मैजिक नंबर बता देंगे? सबके आंसर चाहिए, अगर किसी ने नहीं बताया तो उससे मेरी और आपकी और मेरी दुश्मनी उसी दिन से चालू हो जाएगी। इतनी बार बताया हूँ, मतलब कितनी बार बताऊँ मैं आपको। अब बताइए भाई, नवांश ने बता दिया, रेवनाथ ने बता दिया, प्रिया ने बता दिया, देखिए तीन लोग को तो मतलब याद हो गया है, सुनील कुमार ने भी बता दिया है यहाँ पे, हाँ प्रिया मीना, बस याद हो गया फाइनली आप लोग को। 25-10-200 आप लोग गुजरात का भी बता देंगे और आप लोग आंध्र प्रदेश का भी बता देंगे ना। हाँ तो राजस्थान का क्या था, 25-10-200 था ना, और गुजरात वाला बोला भाई हम एक अख्व आगे हो जा रहे हैं, 26-11-182, चलो 18 तो इधर कम कर दे रहे हैं, ये कह रहा है 25 हमको दे दो, इससे 11 उधार ले लिया और 175 अपना सेट कर लिया। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आपकी दूसरी क्लास है, ओके, रेगुलर रहिए, बी रेगुलर ऑन टाइम, हमसे मुलाकात होगी आप लोगों से हर रोज़ 5:30 बजे, ठीक है? 5:30 पे होती है मुलाकात, और आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो याद होता रहेगा। राजस्थान में और कुछ बचा है? हाँ इसमें बहुत कुछ बचा है, अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन है तो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के कौन हैं? कलराज मिश्रा कौन है? तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन था, तो गुलाबी शहर पिंक सिटी रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन दर्जा गया है। सबसे स्वच्छ कैपिटल किसका था, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। और सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा था, तो इंदौर, 4 बार लगातार वो जीत चुका है सबसे स्वच्छ कैपिटल, सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा यहाँ पे, ठीक है? एंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद आप लोगों के लिए, ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित झील कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गम, और भाई कैसा भाई, जय हो प्रिया मीना, जय हो प्रिया मीना, कहाँ प्रचार कर रहे हैं प्रिया मीना, प्रिया मीना फेमस हो जाएंगे अंकित सिंह जी। चिल्का सिंह, रूपकुंड जी, चोमालू एंड लोनार, क्या लगता है भाई? ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित झील, इन सभी ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाएगा
जी हाँ दोस्तों, ये है आपका लोनार झील इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लोनार झील। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो आपका प्यार होता है मेरे लिए। और मुझे पता होता है कितने लोगों को क्लासेस अच्छी लगी, तो मैं रेगुलर क्लास रखता हूँ। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। एंड कभी भी किसी को भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरा कोड क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि मेरा कोड क्या है, जो आपको SSC सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट दिला देगा। इवन SSC नहीं, SSC रेलवे, UPSC, UP SSSC, नीट, JEE, किसी में भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको मिल जाएगा 10% की छूट। और ये कोड है OJ10। इस कोड के माध्यम से आपको मिलेगी 10% की छूट। अगले सेशन से जब भी मैं कोई स्पेशल क्लास लॉन्च करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, तो आप मेरे से फ्री में पढ़ सकते हो। और अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए जाके फटाफट सारे लोग, ठीक है। तो थैंक यू राज, सुनील जी, मृणाल जी, प्रिया, अंकित, ज्योति, अंकित, विनोद और नवांश जी, थैंक यू रेवनाथ जी, थैंक्स लॉट, बाकी सारे लोग भी। हाँ, OJ10, थैंक यू सभी का भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस इसी तरह रिविजन करते रहिए डेली बेसिस पे। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर।